अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी अभी 9:30 हुए, रात में इसी किट में सो गया था क्योंकि आज संडे है। 9:30 बजे मैं उठा हूँ तो कटिंग और खत वगैरह जो अभी तक नहीं करवाई मैंने, आज मैंने हर हाल में करवाना ही है। अभी मैंने जाना है कटिंग वाले के पास, 10 बजे तक मैं उसकी दुकान पे पहुंच जाऊंगा। तो सबसे पहले आज मैंने कटिंग और खाती करवानी है, उसके बाद ही मैंने कोई और काम करना है, फिर उस शाम के पास जाना है, फिर वहाँ से बाज़ार से मैंने गोलगप्पे लेके आने। हमारे जो है ना वहाँ पे अजीज़ है, जो गोलगप्पे आपको पता ही होगा, गोलगप्पे जो आम होते हैं, जो पानी वाले होते हैं, दही बड़े भी होते हैं, तो वो हमारे जो अजीज़ है ना वो बाज़ार में वो बनाते हैं, घर में खुद तैयार करते हैं। तो वहाँ से मैं जब भी प्रोग्राम बनता है ना दोस्तों का, तो वहाँ से मैं ले आता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि सभी मुझे कहते हैं, दोस्त जितने भी हैं ना, तो वहाँ उसकी वजह ये होती है कि मैं ताज़े वहाँ से ना, ताज़े जो बिल्कुल एकदम खस्ता हो ताज़े, वो मैं लेके आता हूँ वहाँ से। वो मिलते हैं, पहले 100 रुपये के 100 मिलते थे, अब 150 के 100 मिलते हैं। महंगाई हो गई है यार, हर चीज़ महंगी हो गई है। तो कल मैंने पता किया था तो उन्होंने कहा कि 150 के 100 मिलेंगे, 100 गोलगप्पे बहुत हैं। आज संडे, संडे को बहुत से दोस्तों की छुट्टी होती है, हम सब लोग शाम के पास जाके इकट्ठे हो जाते हैं, तो वहाँ पे कोई ना कोई प्रोग्राम ऐसा बना लेते खाने पीने का, थोड़ा बहुत ही हल्का फुल्का। तो आज गोलगप्पे का प्रोग्राम है, आज गोलगप्पे मैं लेके आऊँगा। खट्टा पानी हमारा एक दोस्त है, उसकी दुकान है, गोलगप्पे वगैरह बेचते, खट्टा पानी 2 लीटर वहाँ से लेके आऊँगा मैं। तो आज गोलगप्पे खाएंगे। और वो कल हम लोगों ने फर्श बना दिया था वहाँ नीचे ग्राउंडिंग करके, कुछ ग्राउंडिंग रह गई है, कुछ फर्श रह गया, वो हम लोगों ने आज मुकम्मल करना है। उससे पहले कटिंग और खत। यार अजीब लग रहा है, मेरी दाढ़ी काफ़ी बड़ी हो गई है। कुछ लोग पूछते हैं कि यार आपने दाढ़ी रख ली है, बाल भी अजीब हो गए। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों बालों को मैंने धो के ड्राई कर लिया है, इनको तेल नहीं लगाया, वो तेल लगाने से इनकी कटिंग ठीक से नहीं होती, ये मुझे नहीं पता। ये जिनसे कटिंग करवाता हूँ वो मुझे बोलते हैं अक्सर कि यार आप तेल ना लगाया करें बालों को। तो नॉर्मल सा सूट मैंने, पुराना सूट पहन लिया है, पुराना सूट पहन लिया है ताकि मैंने ये आके फिर चेंज भी करना है, ये बाल वगैरह इसमें लग जाएंगे सारे। तो मेन पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया था यार, कि आज की वीडियो का मकसद ये है कि मेरे इसी चैनल पर मैंने तकरीबन 1 से 1.5 साल पहले मैंने कोई 20 से 22 या 23 सॉन्ग है ना अपलोड किए थे मुख्तलिफ सिंगरों के। तो वो सॉन्ग जो है ना मैं आज डिलीट कर दूंगा, मैंने ये अहद लिया कि मैं सॉन्ग जो है ना वो डिलीट कर दूंगा। तो सॉन्ग नहीं मैं अभी अपलोड किया करूँगा इंशाल्लाह ताला। तो मैं अपनी ज़िंदगी के मुतल्लिक ही जो है ना वीडियो बनाया करूँगा, और रोज़मर्रा के जो मैं काम करता हूँ ये मैं वीडियो बना के अपलोड किया करूँगा। तो इसलिए सॉन्ग जो है वो फिनिश, वैसे बंदा चिल के लिए गा लेता है, या कोशिश करूँगा, बिल्कुल तो नहीं छूटेंगे अभी, कोशिश करूँगा कि इनको छोड़ दूँ, क्योंकि मुझे बचपन से ही शौक था सिंगर बनने का। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की है, सॉन्ग वगैरह अपलोड भी किए हैं साल पहले, तो फेम नहीं मिली मुझे। तो इसलिए मैं अब ये व्लॉगिंग वाला जो काम है ना ये शुरू कर दिया।
तो इंशाल्लाह ताला ये व्लॉगिंग वीडियो ही बनाया करूँगा व्लॉग की। तो सॉन्ग मैं डिलीट कर दूँगा, 22-23 सॉन्ग है वो मैं डिलीट कर दूँगा। चैनल मेरा वही है, पुराना है, तो बस ये आपको बताना था। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला, शाम के घर जाएंगे फिर बात होगी। अच्छा यार मैं कटिंग वगैरह जी करवा ली है, कटिंग वगैरह मैंने करवा ली है, अभी अभी आया हूँ मैं। अच्छा। सेम वही आया हूँ जहाँ पे हम कल मजदूरी कर रहे थे। उसाम भाई की तबीयत ख़राब हो गई, उसे बुखार हो गया है, मुझे भी ये कमर में थोड़ी तकलीफ़ है, दर्द हो रहा है। तो ये सुहेल भाई की हम बात कर रहे थे कल, ये सुहेल भाई हैं, ये कल नहीं आए थे, इनको कोई ज़रूरी काम पड़ गया था। ये अदनान भाई बैठे हुए हैं, अभी वो देख लें, फिर पहले भट्टी पे जाएं, पहले भट्टी पे जाएं। ये ग्राउंडिंग कल की रहती है, ये हम लोगों ने ना कल फर्श बना लिया था, ये फर्श कंप्लीट हो गया है, ये सामने वाली ग्राउंडिंग हो गई है कंप्लीट, ये रहता है, ये दोपहर के बाद शुरू करेंगे फिर हम लोग, फिर वही कल की तरह मजदूरी होगी। तो सुहेल भाई आ गए हैं, सुहेल भाई फिर ये ग्राउंडिंग होगी, इसके बाद सुहेल भाई का काम है यहाँ पे वेल्डिंग का काम इन्होंने करना है, एंगल वगैरह लगा के इन्होंने ये छत का इंतज़ाम करना है। सुहेल भाई ऑलरेडी तकरीबन 10 साल से वेल्डिंग का काम कर रहे हैं एज द वेल्डर, ये गेट वगैरह जो शाम के घर का वो भी सुहेल भाई ने बनाया है, तो काफ़ी मेहनत है इस मकान में भी सुहेल भाई की, माशाल्लाह से अभी तक टाइम दे रहे हैं, इनकी बड़ी मेहरबानी है। सच्चे यार जो होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं, जो अपना टाइम अपना काम छोड़ के दूसरों का काम करते हैं। तो अभी सुहेल भाई ने इस शेड को ऐसे खूबसूरती से बनाना है, जब बनेगा तो आपको वीडियो में दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा यार ये हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, अभी माल पूरा हो गया है, तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, सबसे के लिए अल्लाह हाफिज़।